Hey guys, welcome to my YouTube channel Rana Education, and I hope that you all are good and doing great. Okay, so वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, और हिट दैट बेल आइकन ताकि इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐप में से जो कोर्स है उसको ढूंढना कैसे है, वो कोर्स कहाँ पे है और उसको परचेज कैसे करना है. ओके, तो गाइज आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो जो ऐप है उस पर आप क्लिक करेंगे. यहाँ पे मैं अभी आईपैड पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. जितने भी एप्पल के डिवाइसेज हैं जहाँ पे iOS होता है सॉफ्टवेयर, ओके, वहाँ पे आपको क्लास प्लस का लोगो दिखेगा. और अगर आपका एंड्रॉयड का फोन है ना, तो वहाँ पे MR जो मेरी एप्लीकेशन का लोगो है वो दिखेगा, है ना. तो आप उस ऐप पे क्लिक करेंगे, ऐप को खोलेंगे. ऑलराइट, ऐप को खोलने के बाद ऐसा कुछ पेज दिखेगा, है ना. यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर दोगे, डन कर दोगे, ओके कर दोगे. ओके ओके, उसके बाद ये आपका होम पेज है ना. ऐप को ओपन करने के बाद एक आपका ऐसा होम पेज खुलेगा. यहाँ पे सबसे बॉटम में आपको दिख रहे होंगे बैचेस, स्टोर, चैट्स, प्रोफाइल. ओके गाइज, यहाँ पे आपने जाना है स्टोर के ऊपर, है ना. आप स्टोर के ऊपर जाएंगे और स्टोर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ टॉप पे तीन चार आइकन आपको दिख रहे होंगे. होटल मैनेजमेंट, है ना, NSTAT, NTA UGC नेट एंड NCHMCT JEE. ओके, अब आपको जो भी कोर्स परचेज करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूंगा NCHMCT JEE के बच्चों के बारे में, है ना. बाकी सबके लिए भी सेम रहेगा. ओके, तो जैसे कि किसी ने NCHMCT JEE की प्रिपरेशन का जो क्रैश कोर्स है उसको परचेज करना है, तो गाइज यहाँ पे लिखा है होटल मैनेजमेंट. यहाँ पे क्लिक करेंगे, चार क्रैश कोर्स हैं NCHMCT JEE के, वो चारों आपको दिख जाएंगे, है ना. या तो बच्चा डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकता है होटल मैनेजमेंट पे, है ना. और यहाँ पे क्लिक नहीं करना है तो NCHMCT JEE पे क्लिक करेगा, तब भी ये चारों जो क्रैश कोर्सेज हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे. तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं होटल मैनेजमेंट पे. अब यहाँ पे चार वेरियंट हैं, है ना. NCHMCT JEE एडवांस है, उसके बाद सुपर है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद बेसिक है. सबका प्राइस अलग अलग है, सबके जो ऑफरिंग है सब में क्या क्या मिलने वाला है वो सब कुछ अलग अलग है. उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख लें. खैर, यहाँ पे चार क्रैश कोर्सेज हैं, इनको आप फिल्टर यहाँ से जो आपको आपको ब्लू सा बटन दिख रहा होगा यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ फिल्टर लगा दिया, प्राइस हाई टू लो एंड अप्लाई फिल्टर. अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे गाइज चारों जो क्रैश कोर्सेज हैं वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं. टॉप पे आ गया है JEE एडवांस, उसके बाद JEE सुपर, JEE प्लस, JEE बेसिक. अब आपको जो सा भी क्रैश कोर्स यहाँ से परचेज करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे. फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है JEE एडवांस, उस पर क्लिक कर देंगे, है ना. पूरा क्रैश कोर्स यहाँ पे खुल जाएगा. यहाँ पे इसका कंटेंट है ना. यहाँ पे इसके नीचे रीड मोर में आप देखेंगे क्या क्या इसमें मिलने वाला है. ओके, तो यहाँ पे कोर्स प्राइस लिखा है 13,000, फिर लिखा है डिस्काउंट 3,000. यहाँ पे गाइस कूपन लिखा है, कूपन कोड. तो कूपन कोड आप हमेशा चेक कर लेंगे, कूपन यहाँ पे जो डिस्काउंट ऑफर है वो चलते रहते हैं. तो कूपन कोड पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे, यहाँ पे ₹500 का डिस्काउंट चला है अगर आप ये कूपन अप्लाई करते हो. तो इस कूपन को आप ओपन करके यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे लिख के आएगा कूपन कोड अप्लाई डन, तो यहाँ पे आपको ₹500 का और डिस्काउंट मिल जाएगा. नाउ यू हैव टू पे ओनली 9,500. तो जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उससे पहले आप कूपन को चेक कर लें, क्या पता वहां पे कूपन हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा. प्लस ये सब कुछ देखने के बाद इफ यू आर सेटिस्फाइड देन आप इसको परचेज करेंगे. परचेज करने के लिए सबसे लास्ट में आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे. बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे स्टेट मांगेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे. फॉर एग्जांपल मेरी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तो मैंने क्लिक कर दी हिमाचल प्रदेश, है ना. इस पर क्लिक करने के बाद मैंने किया प्रोसीड टू पेमेंट. उसके बाद क्या होगा गाइज, आपके सामने एक ऐसा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा. अब यहाँ पे क्या है कि गाइज यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके सामने पे करने की. तो यहाँ पे यूजिंग कार्ड है, वॉलेट है ना, UPI है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, EMI है. EMI भी आप लगा सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, या आजकल तो डेबिट कार्ड पे भी EMI होती है कुछ डेबिट कार्ड्स में. तो वहाँ पे आप EMI ऑप्शन जो है वो उसको चूज़ कर सकते हैं. वो क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ चूज़ करते हैं कार्ड, जो कि सबसे कॉमन मेथड है पेमेंट का. तो कार्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पे कार्ड नंबर पूछेगा, एक्सपायरी, है ना, कार्ड होल्डर्स नेम, CVV, और ये सब भरने के बाद आप जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो गाइज आपकी पेमेंट हो जाएगी और आप उस क्रैश कोर्स में आपकी एडमिशन हो जाएगी, उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लेंगे. ओके, तो ये है बहुत सिंपल प्रोसीजर है कि कैसे आप ऐप में जाके अपने कोर्स को ढूंढ के उसको उसकी पेमेंट करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं.